नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 3 है और MCQ सेट 3 है। जैसा कि मैंने आप सभी से डिस्कस किया ही था कि मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PCS हो, SSC, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें कि हिस्ट्री सिलेबस में है, तो मैं सभी एग्जाम को कैटर कर रही हूँ और ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जहाँ भी हिस्ट्री आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ पर चैप्टर से कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 1600, बी 1602, सी 1498, डी 1664। तो पहले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय, यूरोप से भारत तक केप मार्क की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए अलेक्जेंडर, बी वास्को डी गामा, सी इब्न बतूता, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही केप ऑफ रूट को डिस्कवर्ड किया था जब वो यूरोप से इंडिया की तरफ आया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोची, सी कैलिकट, डी मद्रास। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कोचीन। जो अर्ली कैपिटल था पोर्चुगीज का वो कोचीन था, उसके बाद इन्होंने इसको शिफ्ट करके गोवा बना लिया था। तो तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कोचीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बैटल ऑफ बडेरा वॉज फॉट बिटवीन, बडेरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। ए ब्रिटिश और डच, बी ब्रिटिश और फ्रेंच, सी फ्रेंच और डच, डी कोई नहीं। तो चौथे का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ब्रिटिश और डच। और यहाँ ये कहाँ पे लड़ा गया था, ये चिंसुरा के पास लड़ा गया था 1759 में, और किसके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और डच के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया इन 1609, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में भारत क्यों आए। ए फॉर परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए, बी टू अटैक इन इंडिया, भारत में आक्रमण करने के लिए, सी एज अ ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में, डी नन या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए। और जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये जहांगीर के कोर्ट में 1609 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ए मुंबई, बी गोवा, सी मद्रास, डी सूरत। तो छठे का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सूरत। ठीक है, तो जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की गई थी वो 1668 में स्टैब्लिश की गई थी सूरत में, और वो किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो फ्रेंकोइस कैरोन के द्वारा
पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में एस्टेब्लिश की गई थी? तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हेडक्वार्टर ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था ए कोचीन, बी गोवा, सी सेरामपुर, डी चिंसुरा। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेरामपुर। और सेरामपुर कहाँ पर है? ये बंगाल में है। और इन्होंने 1676 से टू 1845 तक यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर रखा था सेरामपुर में, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर सर थॉमस रॉ केम टू जहांगीर स्कॉट एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट? सर थॉमस रॉ किस वर्ष जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे? ऑप्शन ए 1613, बी 1615, सी 1620, डी 1632। तो आठवें का आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1615। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय? साम्राज्यवाद की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए मिनोदा कुन्हा, बी मार्टिन अल्फोंसो डी सुजा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और ये दूसरा गवर्नर जनरल था पोर्चुगीज का, और इसी ने ही गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर, और कौन से ईयर में? 1510 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा को किसने कैप्चर किया था। तो जो सेकंड गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, इसने ही बीजापुर के राजा से गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूप्लेक्स केम टू इंडिया एज अ फ्रेंच गवर्नर इन? ड्यूप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत कब आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1742, बी 1744, सी 1746, डी 1748। तो दसवें का आंसर क्या होगा? बहुत ही फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1742। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विद? फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आए थे? ऑप्शन ए फ्रेकोइस कैरन, बी मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा के साथ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द मिडिल एजेस? मध्य युग की शुरुआत किससे हुई? ऑप्शन ए द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन 476 ईस्वी में पश्चिम रोमन राज्य का पतन, बी द इमर्जेंस ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों का उदय, सी द फर्स्ट अर्ली यूरोपियन मॉडर्न ह्यूमंस अपेयरिंग इन द फॉसिल रिकॉर्ड? जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले पहले प्रारंभिक यूरोपीय आधुनिक मानव, या डी द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली मेटलर्जी एंड द यूज ऑफ कॉपर बेस्ड टूल एंड वेपन? प्रारंभिक धातु विज्ञान की शुरुआत और तांबे पर आधारित उपकरणों और हथियारों का उपयोग। तो मध्य युग की शुरुआत कहां से होती है, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद ही बिगनिंग ऑफ द मिडिल एजेस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मार्क द ट्रांजिशन पीरियड आउट ऑफ द क्लासिकल एरा, शास्त्रीय युग से बाहर संक्रमण काल को क्या चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए द इमर्जेंस ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों का उदय। बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली मेटलर्जी एंड द यूज ऑफ कॉपर बेस्ड टूल्स एंड वेपन्स, प्रारंभिक धातु विज्ञान की शुरुआत और तांबे आधारित उपकरणों और हथियारों का उपयोग। सी द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स एज एग्जाम्पलीफाइड बाई स्टोनहेगन, मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण जैसा कि स्टोनहेंज के द्वारा उदाहरण दिया गया है। या डी द माइग्रेटरी पीपल सेटलिंग डाउन एंड फॉर्मिंग स्टेट सोसाइटी ऑफ देयर ओन, प्रवासी लोगों का बसना और अपनी स्वयं की राज्य सोसाइटी बनाना। तो 13वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी द माइग्रेटरी पीपल सेटलिंग डाउन एंड फॉर्मिंग स्टेट सोसाइटी ऑफ देयर ओन। ठीक है, इस पीरियड को ही ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चेंज्ड हाउ वारफेयर वाज कंडक्टेड एंड हाउ नॉलेज वाज प्रिजर्व्ड एंड डिसमेंटेड ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न यूरोप, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के दौरान किन तकनीकी परिवर्तनों से युद्ध के संचालन और ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के तरीके में बदलाव आया। ऑप्शन ए द प्रिंटिंग प्रेस एंड द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, प्रिंटिंग प्रेस और अन्वेषण का युग। बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली मेटलर्जी एंड द यूज ऑफ कॉपर बेस्ड टूल्स एंड वेपन, प्रारंभिक धातु विज्ञान की शुरुआत और तांबे आधारित उपकरणों और हथियारों का उपयोग। सी द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स एंड एग्जाम्पलीफाइड बाई स्टोनहेगन, मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण जैसा कि स्टोनहेंज द्वारा उदाहरण दिया गया था। या डी द इमर्जेंस ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों का उदय। तो 14वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए द प्रिंटिंग प्रेस एंड द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, What led to the fragmentation of religious thought during the early modern Europe? प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के दौरान धार्मिक विचारों के विखंडन का कारण क्या था? ऑप्शन ए द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण का युग। बी द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार। सी द विकीज एज, वाइकिंग युग। डी द क्रूसेड्स, धर्मयुग। तो 15वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अथॉरिटी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज भी किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट ब्रॉट रिसोर्सेज एंड वेल्थ टू यूरोप ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण के युग के दौरान यूरोप में संसाधन और धन क्या लेकर आया। ए द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों के लोगों और संसाधनों का शोषण। बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली मेटलर्जी एंड द यूज ऑफ कॉपर बेस्ड टूल्स एंड वेपन, प्रारंभिक धातु विज्ञान की शुरुआत और तांबे आधारित उपकरणों और हथियारों का उपयोग। सी द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर एज एग्जाम्पलीफाइड बाई स्टोनहेगन, मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण जैसा कि स्टोनहेंज में द्वारा उदाहरण दिया गया। या डी द इमर्जेंस ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के नगर राज्यों का उदय। तो 16वें का आंसर क्या होगा, बहुत ईजी है, ऑप्शन ए द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पीपल एंड द रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनी, क्योंकि ये क्या करते थे, पीपल्स का एक्सप्लोटेशन करते थे और जहां भी एक्सप्लोटेशन करते थे वहां से जो भी रिसोर्सेज होते थे इसको ये लोग अपने कंट्रीज में लेके चले जाते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मार्क द हाइट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग द हाई मिडिल एजेस, उच्च मध्य युग के दौरान सामंतवाद की राजनीति व्यवस्था का चरम क्या था। ऑप्शन ए द क्रूसेड, धर्मयुद्ध। बी द एजेस एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण का युग। सी द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार। डी द मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द यूरेशियन स्टेप से मंगोल का आक्रमण। तो 17वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए द क्रूसेड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर ऑकर, पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 48,000 ईयर अगो, बी 476 एडी, सी 15th सेंचुरी, डी 20th सेंचुरी। तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 476 एडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच एम्पायर वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द मिडिल एजेस, कौन सा साम्राज्य मध्य युग का पहला महान साम्राज्य था? ऑप्शन ए फ्रैंकिस एम्पायर ऑफ शार्लमैगन, रोमन एम्पायर, सी इस्लामिक एम्पायर, डी मंगोल एम्पायर। तो 19वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शार्लेमैन का फ्रैंकिस साम्राज्य या फ्रैंकिस एम्पायर ऑफ शार्लमैगन। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरीज, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? ऑप्शन ए टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी टू न्यूलैंड, ईसाई धर्म को नई भूमियों में फैलाना, बी टू एस्टैब्लिश ट्रेड रूट एंड एक्वायर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, व्यापार मार्ग स्थापित करना और मूल्यवान संसाधन प्राप्त करना, सी टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज फॉर सरप्लस पॉपुलेशंस, अधिशेष आबादी के लिए उपनिवेश स्थापित करना, या डी टू स्प्रेड यूरोपियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता को विश्व के अन्य भागों में फैलाना। तो 20वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टू एस्टैब्लिश ट्रेड रूट एंड एक्वायर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, व्यापार मार्ग स्थापित करना और मूल्यवान संसाधन प्राप्त करना। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और वो कब कब ये घटनाएं हुई हैं उनका कालानुक्रम हमें मिलान करना है। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, आप लोग भी मिलाइए मेरे साथ और प्लीज आंसर्स को कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुआ था बताइए आप लोग, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुआ था? इसका होगा 1765 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ था? 1784 में, बी हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुआ था? 1782 में। और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था? 1769 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पोंडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पोंडुचेरी पर कब्जा कर लिया? आपके ऑप्शन हैं ए 1674, बी 1699, सी 1738, डी 1761। तो 22वें का आंसर क्या होगा? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? 1761, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए 1773, बी 1791, सी 1765, डी 1782। तो 23वें का आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बट कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1765। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द आयरन कर्टन? ऑप्शन ए अ बैरियर सेपरेटिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को अलग करने वाला एक
बाधा। बी अ बिल्डिंग इन बर्लिन, बर्लिन में एक इमारत। सी अ टाइप ऑफ फेंस यूज्ड इन मेडिवल टाइम, मध्यकाल में एक प्रकार की बाड़। या डी अ टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, एक प्रकार का मुद्रणालय। तो क्या होगा 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अ बैरियर सेपरेटिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट लेड टू द रिमार्किंग ऑफ द मैप ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्माण किस कारण से हुआ? ऑप्शन ए द डीकोलोनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप कॉलोनीज, पश्चिम यूरोपीय उपनिवेशों का विघटन। बी द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का निर्माण। सी द फॉर्मेशन ऑफ नाटो, नाटो का गठन। या डी द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज एम्पायर इंटू नेशन स्टेट, बड़े साम्राज्यों का राष्ट्र राज्यों में टूटना। तो 25वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज एम्पायर इंटू नेशन स्टेट। ठीक है, तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।